vrea și mă mașco, Julica și de corum. E pica și mă mașco, Julica și de corum. सो है माई YouTube फैमिली, कैसे हो आप सब? होप आप लोग सभी अच्छे होने और मैं भी बहुत अच्छी हूँ. मैं हूँ आपकी ओशिन ठाकुर और ये है गाइज इवनिंग का टाइम. तो मैंने सोचा कि आज के लिए मैं आप लोगों के लिए क्या अलग सा लाऊं. तो गाइज एक्चुअली मैंने अभी फ्रिज में देखा तो फ्रिज में मक्खन पड़े हुए थे और अब आपको पता है कि हम मक्खन अगर ज़्यादा टाइम तक ना खाएं तो फिर वो कड़वा हो जाता है. तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मक्खन तो वैसे ही वेस्ट हो जाएगा, कोई खाएगा तो है नहीं मक्खन को, क्योंकि हमें हमेशा मक्खन तब खाना होता है जब वो ताज़ा ताज़ा हो, तब टेस्ट भी अच्छा होता है, बाद में वो अदरवाइज वो कड़वा हो जाता है. तो मैंने सोचा कि अब इसका क्या करूं. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका घी बना दूं. हाँ जी गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मक्खन को उबाल के घी बनता है. तो उसका प्रोसेसिंग मैं आज आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसे मक्खन से घी बनता है. और एक और बात गाइस, एक्चुअली ये है कि हम लोगों ने मैंने फिर एक और चीज़ देखा कि दूध भी बहुत सारा बच चुका था. तो फिर वैसे दूध पीने वाले तो होते हैं, आजकल सोनू पता नहीं क्यों नहीं पी रहे, वैसे पीते हैं दूध. तो फिर आजकल दूध भी बच रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दूध का भी कुछ कर लूँ. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दूध को भी फाड़कर पनीर बना दूँ, वरना वो भी ऐसे वेस्ट हो जाएगा. दूध पी नहीं रहे हैं, चाय इतना पीते नहीं है और फिर ऐसे ही रह जाता है. तो इसलिए आजकल ज़्यादा नमकीन चाय भी नहीं बन रहा है, वरना नमकीन चाय भी बना देते हैं. और मम्मी पापा भी नहीं है घर में, तो इस करके क्या कहते हैं, कोई ज़्यादा पीने वाला नहीं है. एक और बात, मम्मी पापा कहाँ गए हैं? तो मम्मी पापा चंडीगढ़ गए हैं, मैंने आप लोगों को बताया नहीं था. उनको जाकर अब काफ़ी टाइम हो रहा है, काफ़ी टाइम बोले तो 5-6 दिन तो हो ही रहे हैं. तो आजकल हम लोग ही है तो हम लोग ज़्यादा पी नहीं रहे हैं. तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मक्खन का घी बनाया जाए और दूध का पनीर. तो मैं आज आप लोग को बताती हूँ कि घी से मक्खन कैसे बनता है और दूध से पनीर कैसे बनाते हैं. तो फिलहाल मैं आपको दिखा सकती हूँ कि जो ये देख सकते हो आप, दोनों चीज़ मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया गया है. तो ये देख सकते हो पूरा घी हमारा पूरा घी पिघल चुका है और दूध को अभी टाइम लगेगा उबलने को. तो मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ गाइस. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने मक्खन डाल दिया है और यहाँ पर मैंने दूध डाल दिया है. तो ये दो प्रोसेसिंग बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा गाइस, तो मेरे साथ एंड तक बने रहे. फिलहाल मैं ये जो घी है इसको पूरा पिघलने दूंगी, उसके बाद दूध को उबलने दूंगी, उसके बाद ही इसके नेक्स्ट प्रोसेसिंग स्टार्ट रहेंगे. तो आप लोग व्लॉग के एंड तक बने रहे. हाँ जी, जो हमारा ये बटर था ये पूरे तरीके से पिघल चुका है मक्खन. तो अब ही हमें इसे पूरा, मतलब कि ये सोचो आप 30 से लेकर 40 मिनट्स तक हमें इसे ऐसे ही छेड़ते हुए, ताकि नीचे ना लगे, इसे ऐसे घुमाते घुमाते रखना पड़ेगा. तब जाके इससे धीरे धीरे तेल, मतलब जो घी का प्रोसेस होता है वो अलग होगा. वो आपको एंडिंग में पता चलेगा गाइस, अभी पता नहीं चलेगा तो थोड़ा बहुत आपको वेट करना पड़ेगा. पर देख सकते हो आप लोग, मैंने इसको 30 से 40 मिनट तक ऐसे ही घुमाते गई तो ये धीरे धीरे घी की प्रोसेसिंग में आ रहा है. तो ये आपको जो मैंने तेल जैसा बताया था तो वो धीरे धीरे अलग हो रहा है. तो अभी इसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा क्योंकि इससे कुछ ब्राउन ब्राउन कुछ ऐसी चीज़ें निकलती, मैं आपको दिखाऊंगी, ब्राउन जैसा कुछ निकलता है तो वो इसको छन्नी से अलग करना होता है. तो यहाँ साथों साथ मेरा दूध भी थोड़ा बहुत उबल रहा है क्योंकि आप देख सकते हो इतना बड़ा बर्तन है तो फिर दूध उबलने को टाइम लग रहा है. तो फिलहाल हम घी पर ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि घी नीचे भी लग सकता है. तो इसको हमें ऐसे ही घुमाते रहना है गाइस. अब इसको पूरा घी को अलग होना होता है. मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें एक ब्लैक ब्राउन ब्राउन जैसे कुछ निकलते हैं साइड में, तो वो मक्खन का कुछ होता है पार्ट, मैं आपको दिखाऊंगी. तो फिलहाल गाइज आप लोग देख सकते हो कि घी धीरे धीरे करते हुए इसका कलर भी बहुत बेहतरीन आया है और घी धीरे धीरे करते हुए अलग हो रहा है, क्या कहते हैं, अपना मक्खन से. तो देख सकते हो आप. और जो गाइज इसकी खुशबू है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आती जा रही है धीरे धीरे, जब लास्ट में एंड में बिल्कुल तेल जैसा हो जाता है गाइज, तब दिखाऊंगी मैं आपको. और जो हमारा दूध है ये भाई साहब तो उबल ही नहीं रहे, उबल जाओ भाई उबल जाओ, तब जाके मैं आपको पनीर वाला प्रोसेस भी दिखाऊंगी. फिलहाल मैं अभी घी को ढंग से कर दूँ. गाइज आप लोग देख सकते हो कि बहुत हद तक
घी अलग होते जा रहा है जो एक तेल के फॉर्म में, गाइज ये घी बनता है हमारा, तो बहुत हद तक ये धीरे धीरे करते हुए अलग होता जा रहा है, बट अभी भी इसको टाइम लगेगा, अभी भी ये पूरे ढंग से तैयार नहीं हुआ है। इसकी एक अलग सी खुशबू आती है लास्ट में, बहुत वो खुशबू गाइज ऐसी होती है कि आप खुद भी नहीं, मतलब बहुत ही अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि आप लोग भी घर में ट्राई करें एक बार ज़रूर मक्खन से घी बनाना। गाइज फाइनली आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा घी तैयार हो चुका है और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी आई है। आप देख सकते हो येलो से इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, पहले बिल्कुल येलो था गाइज, क्योंकि इसमें मक्खन वाला वो जो दूध वाला जो पार्ट होता है वो अलग हो जाता है। तो ये देख सकते हो ये पूरा प्रॉपर हमारा घी बन चुका है। तो अब हम इसको किसी स्टील के बर्तन में निकालेंगे, क्योंकि अभी तेल होता है तो फिर उसके बाद ये जम जाता है, तो उसमें खाने का मज़ा ही कुछ और आता है। तो देख सकते हो आप, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक कप में दूध क्यों लगा रही हूँ और कॉफ़ी क्यों लगा रही हूँ, तो मैं आप लोग को बता दूँ, एक गेस्ट आ गए थे घर में उस टाइम, तो मैं उनको कॉफ़ी बना रही थी, तो दूध तो वैसे भी उबल गया था, तो मैंने सोचा कि इसी दूध को यूज़ कर देती हूँ। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि इसमें क्या लगता है। इसके बाद जब दूध उबल जाता है ढंग से, तो हमें 2 नींबू लेना है और उसके सीड्स अलग कर देने, बीजों को अलग कर देना है। सीड अलग करने के बाद हमें इसको ढंग से निचोड़ना है मिल्क में, ताकि ये फटने में ज़्यादा हेल्प करे। दूध फाड़ने के बाद ही गाइस पनीर बनता है। तो जितना हो सके मैं ज़ोर से इसमें डाल रही थी पूरा ये जो नींबू है हमारा, तो मुझे एकदम से याद आया कि फ्रिज में गाइस क्या कहते हैं लस्सी भी पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने लस्सी ला ली। मैं अगर लस्सी लगा देते हैं तो वो ज़्यादा हेल्प करता है, मतलब कुछ भी खट्टी चीज़ हो दूध को फाड़ने के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है पनीर बनाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि मैंने ये लस्सी थोड़ा बहुत लगा दिया था ताकि ये ढंग से फटे। तो हाँ जी, आप लोग फाइनली देख सकते हो कि जो हमारा पनीर है वो बन चुका है, दूध फट चुका है। तो देख सकते हो कि आप कितना ये बेहतरीन तरीके से फट चुका है। जब इसका पूरा पानी अलग हो जाए पनीर से, तो तब हमें इसे छानना होता है एक थैले में। तो मैं आपको दिखाती हूँ पॉलीथीन में कैसे छानूंगी मैं, और उसको दबा के रखना होता है।
मेरे घर में आ चुके थे गेस्ट, तो डिनर बन चुका है, देख सकते हो। डिनर मैंने तैयार कर लिया और मेरे को ज़रूर बताना कि आपको आज की ये जो मैंने आपको मक्खन से घी वाला बताया और दूध से पनीर वाला बताना कि कैसा लगा।